निलपोटेंट एलिमेंट्स इन अ रिंग थ्योरी क्या होता है, नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स इन जेड क्या होगा, और जेड जो है वह एक इंटीग्रल डोमेन है, तो क्या जेड के लिए जो रिजल्ट ट्रू होता है उसको हम किसी भी इंटीग्रल डोमेन के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। निलपोटेंट एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी अगर आपके पास जेड 8 गिवेन है या जेड 5 12 गिवेन है, ठीक है, Zn के अंदर जो nilpotent एलिमेंट्स की संख्या है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, यह रिंग थ्योरी का 10th लेक्चर है और जो प्लेलिस्ट है रिंग थ्योरी को उसको अवश्य आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि एक प्रॉपर वे में, डिटेल्ड वे में हम हर चीज डिस्कस करते आ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को चेक कर लें अगर इस चैनल पे पहली बार है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो निलपोटेंट एलिमेंट है ये हम रिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो रिंग के अंदर से ही एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो रिंग है दो बाइंडिंग ऑपरेशन के साथ, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के साथ ये दिख रहा है, तो इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट ए ले लेते हैं, ठीक है, देन हम लोग ए को निलपोटेंट कहते हैं। ए इज सेड टू बी अ निलपोटेंट एलिमेंट। कब? बस एक एन मिल जाए, है ना, जिससे कि ए टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो फॉर सम नेचुरल एन, ठीक है, फॉर सम एन, ठीक है, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो उस एलिमेंट ए को हम लोग कह देंगे कि रिंग का निलपोटेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। निलपोटेंट एलिमेंट्स की संख्या फाइंड आउट करके हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्राप्त करते हैं, इसीलिए यह टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप कि निलपोटेंट का जो डेफिनेशन है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट ले लिए रिंग से, अगर उसका पावर एन जीरो मिल गया तो उसे हम निलपोटेंट एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक रिंग हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, ठीक है, जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये ना सिर्फ एक रिंग है बट ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, यह रिंग थ्योरी का 10th पार्ट है, तो इससे पहले के 9th पार्ट एकदम सिक्वेंस में डिटेल में बताया जा चुका है, तो प्ले लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। तो जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन भी है। अब देखिए जेड के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे ना, है ना, इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू या प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन, अब इसके पावर में कुछ भी एन रख दीजिए आपको जीरो मिलेगा ही नहीं। तो इस जेड के अंदर से सिर्फ और सिर्फ जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है कि जीरो का पावर कुछ भी ले लो, वन ले लो, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जीरो इज द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट, जीरो जो है एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट इन जेड है, ठीक है। अब यहां से एक दो सवाल हमारे जहन में है। सबसे पहला कि जेड जो है एक इंटीग्रल डोमेन था, और हमने देखा कि क्योंकि यह इंटीग्रल डोमेन है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक निलपोटेंट एलिमेंट आया है, सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, इफ आर इज एनी इंटीग्रल डोमेन जेड के अलावा, ठीक है, इफ आर इज एनी इंटीग्रल डोमेन देन जीरो इज द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट, जीरो इज द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट, जीरो जो है एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट होगा क्या अगर आर एक इंटीग्रल डोमेन है? इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा पॉज करके आप बोलिए, ठीक है, अदरवाइज आप सब को बता दें कि यह क्या है, कि यह एक रिजल्ट है और इसका आंसर है यस,
ठीक है। अब क्योंकि आंसर यस है तो दो सेकेंड नहीं बल्कि 30-35 सेकेंड लगेगा इसको प्रूफ करने में। और यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन है तो जीरो एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट होगा। प्रूफ के लिए फॉर्मेलिटी के लिए ये सब लिखना पड़ता है, लेट आर बी एन आई डी, आर जो है वह एक इंटीग्रल डोमेन है। यहाँ से हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर, ओके एलिमेंट ऑफ आर सच डैट ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू जीरो फॉर सम एन, ठीक है, फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, फॉर सम नेचुरल एन, ठीक है। हमने क्या किया कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन से एक एलिमेंट ए ले लिया और हमने कहा कि वह निलपोटेंट है। अब ये दिखाना कि अगर यह निलपोटेंट है तो निश्चित तौर पे ए जो है जीरो ही जीरो होगा, जीरो के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये हमें दिखाना पड़ेगा। अब देखिए ए टू दी पावर एन को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते, ए टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल्स टू जीरो, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। याद रहे आर आपका इंटीग्रल डोमेन है और क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि या तो ए टू दी पावर एन माइनस वन को जीरो होना पड़ेगा या ए को जीरो होना पड़ेगा, आइदर ए टू दी पावर एन माइनस वन इज जीरो और ए इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर उस इंटीग्रल डोमेन से इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ए जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ए अगर आप कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो पावर होगा, नॉन जीरो एलिमेंट का कोई भी इंटीग्रल पावर होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए टू दी पावर एन माइनस वन ये तो जीरो के बराबर नहीं होगा अगर ए नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहां से अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है, ए बराबर क्या होने का, जीरो होने का, ठीक है। तो यहां पे ए टू दी पावर एन बराबर जीरो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ए बराबर जीरो होगा, यानी कि जीरो इज द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन, जीरो इज द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब जीरो जो है एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट है किसका, इंटीग्रल डोमेन का। लेकिन सवाल यहां पे ये भी है कि अगर किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के पास सिर्फ एक निलपोटेंट एलिमेंट है तो क्या उसका इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी है, मतलब कि इज द कन्वर्स ऑफ एबव ट्रू, इज द कन्वर्स ऑफ एबव ट्रू, क्या ऊपर में जो रिजल्ट था उसका कन्वर्स ट्रू होगा, तो आंसर है नो, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होगा जीरो के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर जीरो के रूप में एक ही निलपोटेंट एलिमेंट है इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वह इंटीग्रल डोमेन ही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब भी इस तरह की बात होती है तो एक काउंटर एग्जाम्पल देना बनता है, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल जो है ये मुझे यहाँ पे देनी होगी, तो काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे हम किसे लेंगे, देख लीजिए जेड सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, जी हाँ वही एडिशन मोडलो सिक्स मल्टीप्लीकेशन मोडलो सिक्स, एडिशन मल्टीप्लीकेशन भी लिखते हैं तो उसका मतलब वही समझा जाता है। सबसे पहली बात कि क्या यह इंटीग्रल डोमेन है, तो आंसर है ना, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखिए 2 और 3 दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और अगर इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा दें तो 2 3 6 / 6 रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि जेड सिक्स में 0 डिवाइजर है और 0 डिवाइजर है, इसलिए यह इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो आपने देख लिया कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब अगर आप इस जेड सिक्स में जिसके की अंदर एलिमेंट इस तरीके के हैं, ठीक है, रेसिड्यू मोडलो वाला जो क्लास है वो है यहां पे, तो 0 1 2 3 4 5 तक ही जाएगा,
सिक्स कहाँ से, ठीक है, सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फाइव तक ही जाएगा। अब आप ही बताइए कि इसके अंदर कितने निलपोटेंट एलिमेंट है, तो एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट जीरो है, ठीक है। ओनली निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ दिस इन दिस सेट इज व्हाट, जीरो, बिकॉज जीरो टू द पावर एन बराबर क्या होगा, जीरो। इसके अलावा कोई भी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नॉन जीरो नंबर है, इसका पावर कुछ भी ले लीजिए, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये सब निलपोटेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है, फिर भी इसके पास एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट के रूप में क्या है, जीरो है, ठीक है। और अगर इंटीग्रल डोमेन दिख गया तो निश्चित तौर पे उसके पास तो एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट जो है, एग्जैक्टली वन निलपोटेंट एलिमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा। तो जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताइए कि जैसे Q विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, पहले लिख लेने दीजिए सबको, R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, C विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद Q क्रॉस जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद ZI, ये जो आपके पास रिंग था, ठीक है, ZI रिंग, ठीक है, उसके बाद ZI क्रॉस जीरो, ठीक है, उसके बाद ZP आपका जो रिंग था, ठीक है, तो ये सब जो भी आपके पास रिंग था, इसके भी बाइनरी ऑपरेशन से लिख दीजिए इस तरीके से, तो ये सब जितने भी रिंग हैं, क्या ये सब के सब इंटीग्रल डोमेन हैं? आंसर है यस, यस इंटीग्रल डोमेन। अगर आंसर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखिए, रिंग थ्योरी का जो प्लेलिस्ट है, पूरे डिटेल में हमने ये दिखाया है कि इस समय से किसी के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स हैं ये सब के सब, ठीक है। इसके किसी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो नहीं मिलेगा, यहां पे पी जो है प्राइम है, ठीक है। तो अब बताइए कि इस सब के पास कितने निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि हैज, इसमें से कोई भी एक रिंग ले लें तो उसके पास क्या है, हैज एग्जैक्टली वन निलपोटेंट एलिमेंट। इस सब के पास एग्जैक्टली वन निलपोटेंट एलिमेंट है और उसका नाम क्या है, से जीरो, ठीक है। तो जीरो एलिमेंट के रूप में इस सब के पास क्या है, एकमात्र निलपोटेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब इंटीग्रल डोमेन हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ सवाल यहां पर, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो तो आपने देख ली। अब यहां पे एक HW में दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में, इसके पास कितने निलपोटेंट एलिमेंट होंगे वो आपको बताना है, Q क्रॉस R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब Q क्रॉस R के पास कितने निलपोटेंट एलिमेंट होंगे ये आपको बताना है, नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का नाम मैं देता हूं A, ठीक है, आपको जो भी लगता है, जैसे अगर आपको 1 लगता है तो A1 लिखिए कमेंट में, 2 लगता है तो A2 लिखिए, 3 लगता है तो A3 लिखिए, देन सर्टेनली ओके। तो यहां पे Q क्रॉस R के पास नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट कितनी होगी, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो एक बार कमेंट कीजिए और कमेंट में अगर होगा तो मैं इसका जवाब जो है वो पिन कर दूंगा। अब दूसरा सवाल कि भाई जैसे मान लीजिए Z8 है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि Z512 है, ठीक है, तो ये सब जो है इसमें कितने निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे, अगर मान लीजिए कि ये सवाल है। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, Z8 के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे,
उसके बाद एक फॉर्मूला आपको दे देंगे, जिस फॉर्मूले की सहायता से आप Z100 का, Z512 का, nil potent एलिमेंट्स की संख्या, कौन कौन से nil potent एलिमेंट होंगे, इस सबको आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले Z8 की ओर हम आगे बढ़ें। Z8 यानी कि रेसिड्यू मोडुलो वाला जो यहाँ पे रिंग है वो लिखने को मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 पे स्टॉप। ठीक है, अब इसमें कितने nil potent एलिमेंट हैं भैया? तो देखिए 0 का पावर 1 = 0, तो 0 हो गया nil potent, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या 1 nil potent है? 1 का पावर कुछ भी कीजिएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करें कि मतलब यहाँ पे 1 जो है ये आपका nil potent नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे 2, तो 2 का पावर 3 देख लीजिए। अब यहाँ पे 2 का पावर 3 कहने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, उसका जो मतलब है वो ये है। ठीक है, 2 × 2 × 2, तो 2 का पावर 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और डिवाइडेड बाय 8 तो 0 हो रहा है, यानी कि 2 का पावर 3 = 0, यानी कि 2 nil potent हो गया। ठीक है, 3 फिर nil potent नहीं होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 3 का पावर कुछ भी लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 4 का पावर अगर हम 2 कर दें तो ये देखिए 4 × 8 × 4, 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर 0, यानी कि 4 भी nil potent हो जाएगा, 5 नहीं हो पाएगा, करके देख लीजिए। 6 के बारे में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो 6 के बारे में तो 6 × 8 × 6 ये कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय कितना? 36 divided by 8, तो 4 आ गया रिमाइंडर में, और 4 ठीक है into 6 यानी कि 24 divided by 8, तो रिमाइंडर 0, तो यहां से 6 भी आपका nil potent हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ nil potent एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ nil potent एलिमेंट्स ये आपकी हो गई 4, और सेट ऑफ nil potent एलिमेंट्स क्या है? सारे के सारे nil potent एलिमेंट्स को अगर आप लिखेंगे सेट ऑफ nil potent एलिमेंट्स तो क्या सब आएगा बताइए? 0, 2, 4 and 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने Z8 के nil potent एलिमेंट्स को आपने फाइंड आउट कर लिया। ये तो भैया Z8 था तो मैनुअली करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर मान लीजिए Z512 है, Z100 है, Z1000 है, तो फिर क्या काम करेंगे? कोई एक तरीका होना चाहिए ना, कोई एक फॉर्मूला तो होना चाहिए जिससे कि हम सारे के सारे nil potent एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात कर ले और जो nil potent एलिमेंट्स है उसका सेट भी बना ले। तो इसके लिए देखिए एक नोट यहां पे हम लिखवाना चाहेंगे, एक नोट। ठीक है, नोट क्या है उसको आप नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर हम n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ले लें और n को, जो कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में कई बार करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के रूप में यहां पे लिखें, यानी कि P1 का पावर R1, P2 का पावर R2, P3 का पावर R3 एंड बाय डूइंग सो PK का पावर RK। ठीक है, इस तरीके से जो गिवन नेचुरल है उसको अगर हम लिखना शुरू करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के रूप में, तो एक फॉर्मूला होता है देन द नंबर ऑफ, ये कैसे आया उसको हम एक ऑब्जर्वेशन से, एक परफेक्ट इंट्यूशन देने की कोशिश करेंगे, प्रूफ तो नहीं करेंगे लेकिन इंट्यूशन आपको मिल जाएगा। देन द नंबर ऑफ nil potent एलिमेंट्स, नंबर ऑफ nil potent एलिमेंट्स
इन जेड एन, जेड एन में नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स क्या होगी वो देखिए। उसको देखने के लिए आइए देखते हैं जेड एट के बारे में। देखिए अगर हम एट को प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए ना, टू का पावर थ्री लिखेंगे कि नहीं। और नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स कितना आया भैया, फोर, यानी कि टू का पावर थ्री माइनस वन, यही खेला ना, टू का पावर थ्री माइनस वन यानी कि फोर। अब अगर आप यहां पे n को p1 का पावर r1, p2 का पावर r2 into p3 का पावर r3 and by doing so pk का पावर rk लिखते हैं, तो वहां पे p का जो पावर था उसमें से एक कॉम किए थे, ठीक उसी तरीके का काम यहां पे भी करेंगे। नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स यहां पे जो है p1, और ये हो जाएगा r1 का पावर r1 माइनस वन, ठीक है। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो इत्तफाकन 8 को आपने एक ही प्राइम के पावर के रूप में लिख दिया, इसीलिए हम 2 का पावर r माइनस वन पे स्टॉप कर गए, हमको आंसर मिल गया। अब मान लीजिए अलग अलग चीजें हैं तो क्या कीजिएगा, जैसे 100 है तो 100 में क्या आ जाएगा, p1 p2 दोनों आएगा तो उस समय क्या करना है, जैसे p1 n को आपने लिखा p1 का पावर r1, p2 का पावर r2, p3 का पावर r3, pk का पावर rk, तो नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स होगा p1 का पावर r माइनस वन इंटू p2 का पावर r2 माइनस वन, p3 का पावर r3 माइनस वन एंड बाय डूइंग सो pk का पावर rk माइनस वन। इतने नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ओके, यू विल गेट दिस मच ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स। अब कहिएगा कि ठीक है भैया निल पोटेंट एलिमेंट्स की संख्या तो हमें प्राप्त हो गई, और टेंशन मत लीजिए इसी फॉर्मूला पे, एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला पे हम आपको एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है, जो गिवन जैसे जेड 100 में कितने निल पोटेंट एलिमेंट्स होंगे और निल पोटेंट एलिमेंट्स को लिखेंगे कैसे, सेट कैसे बनाएंगे निल पोटेंट एलिमेंट्स का, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले then the number of nil potent elements in Zn क्या हो गया, p1 का पावर r1 माइनस वन, p2 का पावर r2 माइनस वन, ये सारी चीजें। अब nil potent elements का जो सेट है वो जेनरेट कैसे होता है, the set of nil potent elements is generated by, इसको हम लोग जेनरेट करते हैं किससे, तो इससे p1 p2 p3 एंड बाय डूइंग सो pk, ठीक है, इससे हम लोग जेनरेट करते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Zn, ये भी ध्यान में रहे Zn के लिए ही ये सारा खेला हो रहा है, ठीक है। अब कहिएगा कि भैया एक क्वेश्चन हमको इस पे करवा दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट बा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए जेड 100, ठीक है, इसके अंदर इसको एज अ रिंग ट्रीट कर रहे हैं, तो मतलब जेड 100 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 10, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10, ठीक है, इसके अंदर कितने निल पोटेंट एलिमेंट होंगे ये अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 100 यानी कि n को कैसे लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, यानी कि इसको 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। देख लीजिए थ्योरी में क्या लिखवाया गया था कि n जो है आपका p1 का पावर r1, p2 का पावर r2 एंड सो ऑन pk का पावर rk। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या p1 का पावर r1, p2 का पावर r2, यहाँ पे p1 बराबर 2 है, थ्योरी अगर आप लिख लिए हैं कॉपिया में तो बहुत अच्छी बात है, r1 भी यहाँ पे 2 है और r2 भी यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स तुरंत ज्ञात कर लेंगे, नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स क्या होगा भैया बोलिए। अच्छा नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स में क्या हुआ था कि जैसे यहाँ पे p1 का पावर r1 था, तो p1 का पावर r1 माइनस वन इंटू p2 का पावर r2 माइनस वन, मतलब यहीं तक हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि Z100 के लिए तो P1 और P2 ना है, तो P1 का पावर R-1 into P2 का पावर R-1, यानी कि
क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 माइनस 1, 2 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 का पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 10। अब यहां पे तो ये तो निकल गया कि Z100 में कितने निलपोटेंट एलिमेंट होंगे, तो ये क्लियर हो गया कि Z100 में 10 निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अब बात ये है कि उसको जेनरेट कैसे करेंगे भैया, कौन कौन से निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए यहां पे लिखे हैं जेनरेटेड बाय P1 into P2 into P3 and so on into PK, और ये क्या है जेनरेटिंग सेट का नोटेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ जेन 100 का जो सेट बनेगा, निलपोटेंट एलिमेंट्स ऑफ जेड 100 इसका जो आपको सेट बनेगा ये क्या जेनरेटेड बाय क्या होगा P1 into P2, P1 है 2, P2 है 5, जेनरेटेड बाय 10। अब जो जेनरेटेड बाय 10 है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल 0, 10, 20, 30 इस तरीके से, बाय डूइंग सो ठीक है 90 तक ये जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो जेनरेट होंगे जो कि 10 से जेनरेट होंगे। इस तरीके से आपको टोटल देख लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से 90 तक टोटल 10 निलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा, किसका Z100 का, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक HW दे देते हैं, आपके पास यहाँ पे Z512 है, ठीक है, क्या है Z512। तो आपको बताना है नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स, इसके कितने निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे, और जो निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे उसका एक सेट बनाना है कि वो आखिर कौन कौन से हैं निलपोटेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको निश्चित तौर पे हमें कमेंट कर सकते हैं। एक HW तो इस वीडियो में ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो इसको हम HWB बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट 100 आया, तो आप कमेंट सेक्शन में B100 जैसे ही लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए 200 आ रहा है तो B200 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप जवाब देख के एक जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आप हमसे कर सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए ये जो नंबर है ये आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम एक ग्रुप या एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना चाहते हैं, जिससे कि यूट्यूब पर जो फ्री लाइव क्लास का सेशन है उसको हम लगातार कंडक्ट कर सकें, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो निश्चित तौर पे जब आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव आएंगे तो डिस्कशन जो है और बेहतर बनेगा, ठीक है, और हम निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि आप ग्रुप में जो है सम्मिलित हो जाइए, ताकि जब भी आप लाइव क्लास होगा तो आप उपस्थित रहेंगे, तो यह हम सब के लिए एक उत्साह का कारण बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लें। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में, एक डिटेल्ड वे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें एक सिक्वेंस में बताई जा रही हैं, ठीक है। आपका जो भी फीडबैक या सजेशन है उसे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी लेक्चर के कॉन्टिन्यूएशन में। लीनियर एल्जेब्रा भी हमने कॉन्टिन्यू किया हुआ है, तो लीनियर एल्जेब्रा और रिंग थ्योरी पे जो है लगातार वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।